यो व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उनके ड्रामास की जो वर्ल्ड वाइड बहुत हिट हुए लेकिन वो अभी तक हिंदी डब में अवेलेबल नहीं हुए। अगर ये ड्रामास हिंदी डब में आ जाते हैं तो गाइस ये बड़े बड़े के ड्रामास लाइक क्वीन ऑफ टीयर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इन ड्रामास में उतनी कैपेबिलिटी है। तो चलिए अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले ड्रामा की ओर। तो गाइस जो हमारा पहले ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है हैप्पीनेस। तो गाइस ये ड्रामा बेस करता है जॉम्बी, ये एक जॉम्बी सीरीज़ है जो कि आपकी 2021 में रिलीज हुई थी और ये आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिल जाएगी। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं। तो गाइस इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। ये अगर जो ओरिजिनल डब है उसमें भी आप देख सकते हो। हिंदी डब अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड सीरीज़ की ओर। तो सेकेंड सीरीज़ जो हमारी निकल के आती है उसका नाम है होटल डेलूना। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोग इस सीरीज़ को ऑलरेडी जानते होंगे जिन्होंने देखा है, बट गाइस अभी तक टिल डेट तक इसकी कोई हिंदी डबिंग की कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है। ये ड्रामा रिलीज हुआ था 2019 में जो कि आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। तो गाइज ये ड्रामा भी वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। अगर आप इसको ओरिजिनल डब में देखते हो तो आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड ड्रामा की ओर जो निकल के आता है रिवेंज ऑफ अदर्स। ये ड्रामा आपका 2022 में रिलीज हुआ था और ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल जाएगा, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं। ये जो ड्रामा बेस करता है ये है क्राइम रिवेंज ड्रामा। तो गाइज इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये ड्रामा भी वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा में से निकल के आता है जो कि ओरिजिनल डब में है और इसकी अभी तक हिंदी डबिंग नहीं आई है। तो गाइस इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ ड्रामा की ओर जो निकल के आता है ट्रिब्यूटी। गाइस ये तो वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा है मेरा खुद का, जो कि मैं खुद आज तक वेट कर रहा हूँ इसकी हिंदी डबिंग का, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को, ये हिंदी डबिंग लाते ही नहीं है। तो गाइस ये रिलीज हुआ था 2020 में और ये आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स है। ये ड्रामा बेसिकली लव ट्रायंगल बेस्ड ड्रामा है जो कि आपकी यू नो बहुत सारी मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहता है, मतलब कि अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती के ऊपर सारा ड्रामा बेस्ड है। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये भी ओरिजिनल डब में अवेलेबल है, मोस्टली आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये ड्रामा इतना हिट है। तो चले बढ़ते हैं अपने फिफ्थ ड्रामा की ओर जो निकल के आता है ट्विंकलिंग वाटरमैन। तो गाइज ये ड्रामा तो आपका रिसेंट में लॉन्च हुआ 2023 में, ये आपको विक्की के प्लेटफॉर्म देने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं। गाइज़ ये ड्रामा बेस करता है टाइम ट्रैवल पर और इसमें जो ड्रामा चलता है ये इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ये आपको किसी भी मोमेंट पे बोर नहीं होने देगा गाइज, इतना मस्त ड्रामा है। बट वही दिक्कत है, हिंदी डबिंग अभी तक लाए नहीं है, ओरिजिनल डब में आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये ड्रामा भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो गाइज ये थे कुछ ड्रामा जो आप मैं खुद इनके हिंदी डबिंग का वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कब तक इनकी हिंदी डबिंग आती है, और मोस्टली ड्रामास की मेरे को लगता नहीं हिंदी डबिंग आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी इतने हिट है, ऑलरेडी लोगों ने इसको ओरिजिनल डब में देख लिया है। तो गाइज आप लोग भी इसको ओरिजिनल डब में देख लो, मज़ा आ जाएगा कसम से, अगर आपने इनमें से कोई भी ड्रामा नहीं देखा है, क्योंकि ये सारे ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, ओके बाय।